हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है गौरव मिश्रा और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पे बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट फर्टिलाइजेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन देखिए फर्टिलाइजेशन होता क्या है इट इज द कंप्लीट एंड द परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स टू फॉर्म अ डिप्लॉइड साइकॉट ठीक है जो मेल था वो हैप्लॉइड था फीमेल भी कैसी थी हैप्लॉइड तो जब दो हैप्लॉयड गैमेट्स जुड़े ना क्या एन सो एन प्लस एन गिव राइज टू टू एन विच इज अड सो वेन दिस टू गैमेट फ्यूज इवेंट विच इज रिफर्ड टू सिंगी और एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम थाट हमेशा डिप्लॉयड रहेगा ठीक है तो सिंगेमी की अगर आप बात करते हो सिंगेमी इज वॉट इट इज डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ टू एंटायर गैमेट्स टू फॉर्म अट इट ऑल्सो इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ठीक है इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होना और साथ में इनके जो न्यूक्लियाई होता है उनका भी फ्यूजन होने को बोला जाएगा सिन तो फिर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन क्या होता है इज इज बेसिकली इट सेट ऑफ ऑल द इवेंट्स वुड लीड टू ठीक है दोनों अलग अलग इवेंट है सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन ठीक है अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो जाइगॉट है वो केवल कब बनेगा जब मेल और फीमेल के गैमेट्स जुड़ेंगे बट ऐसा हर बार नहीं होता है हमारे पास एक इवेंट देखने मिलता है हमें जिसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस इस पार्थेनोजेनेसिस के अंदर क्या देखेंगे हम हम देखेंगे फीमेल गैमेट्स, सम ऑफ द फीमेल गैमेट्स नॉट ऑल सम ऑफ़ द फीमेल गैमेट्स डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन कुछ ऐसी फीमेल के गैमेट्स होते हैं जो बिना मेल के गैमेट के साथ फ्यूज करे ही डेवलपमेंट चालू कर देते हैं और इसमें से हमें क्या मिलता देखने मिलता है एक न्यू इंडिविजुअल देखने मिलता है तो यहां पर भाइयों और बहनों जो मेल थे इन मेल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है तो ऐसे इवेंट को जहां पर जहां पर महिलाएं ही सारा काम कर देती हैं उसे कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस आपको देखने मिलता है इन केस ऑफ इन केस ऑफ हनी बी एंड इन केस ऑफ सर्टन बर्ड लाइक टर्की ठीक है चलिए हम लोग समझेंगे कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन या फिर जो सिंगेमी का इवेंट है वो होता कहां पर बेसिकली ऑन द साइट ऑफ वेयर द फ्यूजन टेक्स प्लेस आई कैन क्लासिफाई फर्टिलाइजेशन इनटू टू पार्ट्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में तो अगर आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो वॉट डू गेट टू अंडरस्टैंड एक्सटर्नल का मतलब ही क्या होता है जो कहां होता होगा बाहर विच टेक प्लेस आउटसाइड आउटसाइड ऑफ वॉट आउटसाइड ऑफ बॉडी सो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होता होगा उसे कहा जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन दिस प्रोसेस द पेरेंट्स बोध द पेरेंट्स बोध द पेरेंट्स दैट इज मेल एज वेल एज फीमेल वुड रिलीज देयर गैमेट्स इन टू द वॉटर ध्यान रखना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्टली होता है पानी के अंदर ठीक है जिस दरमियान जो पेरेंट्स होंगे वॉट दे वुड डू इज दे वुड रिलीज देयर गैमेट्स इन टू द वॉटर

कि जो पेरेंट्स थे वो फिजिकल कांटेक्ट में आए और ऐसा भी हो सकता था कि बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए भी इन गैमेट्स का फ्यूजन हो सकता था ठीक है मतलब क्या पेरेंट्स ने क्या किया होगा अपने गैमेट्स को सिंपल पानी में छोड़ दिया होगा सिंपली पानी में रिलीज कर दिया होगा ठीक है अब देखो फॉर दीज गैमेट्स टू कंबाइन सबसे पहला चीज क्या होना पड़ेगा कि जब मेल ने अपने गैमेट डिस्चार्ज करें पानी के अंदर उसी समय जो हमारी फीमेल होगी उसको भी अपने गैमेट्स पानी में डिस्चार्ज करने पड़ेंगे तो ये जो इवेंट होता है ना जहां पर दोनों मेल और फीमेल आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनी तो ये सिंक्रोनी बहुत ज्यादा देखने मिलती है आपको इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वरना मान लो मेल ने अपने सारे गैमेट्स रिलीज कर दिए और फीमेल ने तो भैया एग निकाला ही नहीं तो क्या होगा मेल गैमेट तो ऐसे पानी में भटकते रहेंगे समझे बात मान लो मेल नहीं छोड़े फीमेल ने अपने एग्स निकाल दिए ठीक है फीमेल्स ने एग्स छोड़ दिए बट मेल ने गैस जो गैमेट थे स्पॉर्म वो रिलीज ही नहीं करे तो दो एग्स विल नॉट बी ऑफ एनी यूज वो केवल तब काम के हैं जब इन दोनों का आपस में फ्यूजन होता समझे तो हमने क्या देखा इन दोनों के बीच में बड़ी सिंक्रोनी होती है दूसरा जो फीमेल के गैमेट्स होते हैं उनका नंबर कम होता है जबकि का मेल जो है उनका नंबर जो है उनकी जो तादाद है वो कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा होती है क्या कारण है क्या कारण सारे के सारे गैमेट्स तो बच्चों वहां तक पहुंचने वाले नहीं है ठीक है इन गैमेट्स का वहां तक पहुंचने का चांस फीमेल तक पहुंचने के चांसेस बहुत कम होते हैं ठीक है तो जितने ज्यादा मेल ने गैमेट्स बनाए होंगे ना मेल ने जितने ज्यादा गैमेट्स बनाए होंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि इनमें से कोई एक बेचारा भटकते भटकते इस ओवा तक पहुंच जाए समझे तो उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो मेल होते हैं वट दे डू इज दे रिलीज लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स तो ये दोनों जो इवेंट थे ग्रेट सिंक्रोनी और लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस बाय द मेल दे वुड हेल्प इन प्रमोटिंग दिनगैमी ठीक है बट इस प्रोसेस का एक डिसएडवांटेज है वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इनफैक्ट क्या है अब देखो ये जो गैमेट्स थे इनका फ्यूजन भी हो गया फ्यूजन होने के बाद में जयगोड भी बन गया और जयगॉट जो था आगे जाकर के न्यू इंडिविजुअल में भी डेवलप हो गया एक ऑफस्प्रिंग भी बन गई ठीक है अब ध्यान क्या रखना है मेरे को ऐसे इंडिविजुअल्स जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के द्वारा बने हैं अब इनका जन्म तो बॉडी के बाहर ही हो रहा है मतलब पानी में हो रहा है खुले पानी में हो रहा है और खुले पानी में तो भाई साहब दुनिया भर के शिकारी मुंह मारते फिर रहे हैं तो इनकी जान को तो पैदा होते ही खतरा हो जाएगा समझे आप तो मैंने यहां पे डिसएडवांटेज में क्या पॉइंट एड करा है दे आर वलनरेबल ऑफ स्प्रिंग्स दे आर वलरेबल वेबल टू वॉट दे आर वलनरेबल टू प्रिडेटर्स अब एक तो बेचारे पैदा ही हुए हैं मुश्किल से इन्होंने होश संभाला है होश संभालते इनको कोई बेचारे को खा जाएगा समझे बात आप तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की ठीक है आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं अबाउट इंटरनल फर्टिलाइजेशन यस नाउ इफ एट ऑल यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल का मतलब क्या हो गया बच्चों इंटरनल का मतलब हो गया अंदर या फिर या फिर इनसाइड इनसाइड ऑफ व्हाट इनसाइड द बॉडी सो इन द प्रोसेस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन द स्पॉन्स आर पास्ड इनटू द फीमेल बाय द इंट्रोमिटेंट ऑर्गन ठीक है तो कॉप्युलेटरी ऑर्गन्स होंगे सर्टेन ऑर्गन्स होंगे मेल के पास में जिसके द्वारा जो मेल होंगे दे वुड इज दे वुड एम टी और दे वुड इंजेक्ट देअर गैमेट्स इन टू द फीमेल्स बॉडी राइट सो द एग फ्रॉम द फीमेल फ्यूज विथ द मेल गैमेट ठीक है अब जब क्या हुआ जब मेल ने अपने गैमेट्स फीमेल की बॉडी के अंदर डिस्चार्ज करे तो क्या होगा फीमेल की बॉडी के अंदर जो एग्स थे वो और मेल के द्वारा जो डिस्चार्ज किए गए गैमेट्स हैं वो बेसिकली स्पॉम्प वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे फ्यूज हो गए फ्यूज हुआ मतलब क्या हुआ बेटा सिंगामी हो गई चलिए बहुत अच्छा अब ध्यान क्या रखेंगे जनरली जो मेल होते हैं जनरली जो मेल होते हैं वो मोटाइल होते हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है उनकी एक तो एक तो ये लोग मोटाइल होते हैं दूसरा इनकी साइज बेचारों की छोटी सी होती है और लार्ज नंबर होता है ठीक है कोशिश हमेशा कौन करेगा मेल भी करने वाले हैं ठीक है क्या करेंगे कोशिश दे वो ट्राई टू रीच द एग वहीं पे जो फीमेल होती है वो नॉन मोटाइल होती है दे आर नॉन मोटाइल मीन्स वो लोग मूव नहीं कर सकते हैं वेनाइस मेल्स मोटाइल उसका मतलब वो लोग मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जबकि वह जो फीमेल है देआर नॉन मोटाइल दे वुड नॉट बी एबल टू मूव फर्दर मोर इनकी साइज क्या है बहुत बिग है बल्की होते हैं ये लोग थोड़े से और इनके नंबर बहुत कम होते हैं समझे तो जब मैंने ऐसा बोला मेल मोटाइल ऐसा हर केस में नहीं होगा हम देखेंगे हमारे पास जो सीडेड प्लांट्स होते हैं बेसिकली जो एनजीओ स्कॉम प्लांट का ग्रुप है जहां पर फ्लावरिंग वगैरह होती है उनमें क्या देखूंगा यार उनमें मैं देखता हूं कि जो जो मेल गैमेट्स होते हैं बेसिकली जिसको आप लोग पोलन बोलते हो पोलन ग्रेन बोलते हो उस पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है और वो मेल गैमेट कैसा होता है नॉन मोटाइल होता है उसके पास उसके पास मोटिलिटी करने के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता तो वो कैसे मूव करेगा यार उसको तो पहुंचाना फीमेल गैमेट के ऊपर देखो ये तुम्हारी ये तुम्हारा वो जो पिस्टल जिसको बोलते हो वो हो गया अपना मान लेते हैं ये पिस्टिल हो गया है यहां पे ओवरी हो गई है ठीक है यहां पे ये ये स्टिग्मा हो गया था ठीक है अब समझो यार जो हमारा मेल गैमेट था आई मीन पोलन ग्रेन था वो तो आके इस स्टिग्मा के ऊपर बैठता है ना अब इसको यहां से इधर तक कौन पहुंचाए फीमेल गैमेट तो इस, इस ओवरी के अंदर है इस ओविल के अंदर है तो इस पोलन ग्रेन को इस ओविल तक कौन पहुंचाएगा भाई वो पहुंचाया जाएगा इस पोलन ट्यूब के द्वारा समझे बात तो इन केस ऑफ सीरेट प्लांट द नॉन पोल्टाइल गैमेट्स इज ट्रांसपोर्टेड टू फीमेल गैमेट्स विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब सॉरी फॉर दैट तो एक एक नॉन मोटाइल गैमेट जो था ना उसको फीमेल की ओव्यूल तक या फिर फीमेल की गैमेट तक कौन पहुंचाएगा बेटा हमारा पोलन ट्यूब ठीक है अब देखो अब थोड़ी सी बुक के बाहर की बात कर लेते हैं हम क्या देखते हैं टाइप्स ऑफ सिनगामी देखते हैं सिनगामी का मतलब क्या बताया अभी मैंने आपको सिनगामी का मतलब बताया ना फर्टिलाइजेशन तो जब मैं टाइप्स ऑफ सिनगामी की बात करूंगा तो मैं इसको दो भाग में बांट सकता हूं सबसे पहले तो आ गया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सोर्स सोर्स ऑफ वॉट सोर्स ऑफ गैमेट्स तो मेरे पास दो तरीके की सिंग्यामी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ गैमेट फर्स्ट इज एंडी इस एंडोगेमिको और इस एक्सोगेमी को आप लोग कत्ते एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ कंफ्यूज मत करिएगा एंडोगेमिको इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सोगेमिको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझने की गलती गलती से भी मत करना क्यों भाई क्योंकि देखो जो एंडोगेमी है बेटा इन दिस प्रोसेस द गैमेट्स आर फ्यूजिंग फ्रॉम द सेम पेरेंट्स ऐसे गैमेट्स जो सेम पेरेंट्स आए होंगे केवल वो यूज करेंगे तो अगर मेरे पास ये फीमेल थी और मेरे पास ये मेल था ना तो ये दोनों गैमेट का सोर्स कौन रहा होगा सेम पेरेंट रहे होंगे सिंगल पेरेंट रहे होंगे इन दोनों गैमेट्स का सोर्स ठीक है ऐसा कुछ देखने मिलेगा आपको अंदर ठीक है वहीं पर अगर गैमेट्स का सोर्स डिफरेंट पेरेंट्स होते हैं तो अगर ये जो मेल थे ये मेल के गैमेट और ये फीमेल के गैमेट इन दोनों का सोर्स अलग है तो वो एक्सोगैमी बन जाता अगर दोनों गैमेट्स का सोर्स सेम होता तो वो एंडोगैमी बनता बट यहां पर दोनों गैमेट्स का सोर्स क्या है बेटा डिफरेंट है तो ये क्या बनेगा एक्जोगेमिक बनेगा ये हमको हमारे मेंढकों में देखने मिलता है और हमारे खुद के अंदर ऐसे ही देखने मिलता है हमारे अंदर दोनों गैमेट्स के सोर्स अलग होते हैं मेल के अंदर से अलग गैमेट आएगा फीमेल के अंदर से अलग गैमेट आएगा तो दोनों गैमेट का सोर्स अलग है इसलिए वी एग्जिबिट एक्सोगेम राइट नाउ द अदर टाइप ऑफ सिंगी कुड बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट ऑब्वियसली तो आइजोगैमी हो सकती है और एनाइजोगी हो सकती है गैमी आ रही है ना मतलब उसका क्या है ये सिंह गैमी का ही पार्ट है गेमी आई है मतलब ये सेंगे का पार्ट समझो अब आया मेरे पास में क्या मेरे पास में आया आइजोगी बेसिकली आइजोगेमी में ऐसा होगा कि जो हमारे गैमेट्स होंगे दे आर सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली बट बिहेवियरली दे आर डिफरेंट है ना उनका बिहेवियर अलग होगा मॉर्फोलॉजिकली मतलब देखने में तो वो लोग सेम ही रहने वाले हैं बट जब जब उनके बिहेवियर की बात आप करेंगे तो वो अलग हो सकते हैं ये आपको मोनोसिस्टिस के अंदर देखने मिलता है वहीं पर अगर आप एनाइज की बात करेंगे तो यहां पर जो गैमेट होगा उसकी साइज उसका फॉर्म और उसका स्ट्रक्चर दोनों ही गैमेट्स का डिफरेंट रहने वाला होता है तो जैसे के, जैसे कि कि फ्रॉग और ह्यूमन ह्यूमन में देखने मिल जाएगा यूमन के अंदर आपको मालूम है फीमेल की जो हुआ, जो एग होता है वो काफी बड़ा होता है जबकि का जो मेल के स्पर्म्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं हो और मोटाइल होते हैं तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही था उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें खुद भी सब्सक्राइब करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें घर के बाहर बिना मतलब बिल्कुल भी ना निकले जितना हो सके घर के अंदर रहिए सेफ रहिए खुद भी सलामत रहिए और दूसरों को भी सलामत रखें मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल